हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो संजीर ब्लॉग्स और मैं हूँ संजीर आलम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कतर आने के लिए अभी के वक्त में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन कौन सा पेपर लगने वाला है और क्या क्या चीज अपलोड करना होगा, और जिन लोगों के पास कतर आईडी है उनको कौन कौन सा पेपर अपलोड करना होगा, और जिन लोगों के पास कतर आईडी नहीं है उनको कौन सा अपलोड करना होगा, और जो लोग विजिटर है उन लोगों को क्या अपलोड करना होगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे रजिस्ट्रेशन करने के कितने घंटे बाद आपको अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद क्या करना है, ये भी इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले। उससे पहले बता दें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों के पास कतर का आईडी है उन लोगों के लिए क्या क्या चीज लेके आना जरूरी है और क्या चीज नहीं लेके आना है, वैक्सीन लिया है तो या वैक्सीन नहीं लिया है तो सबसे पहले आपको बता दे, आपको 72 घंटे जो आपका फ्लाइट उड़ने का टाइम होता है इसके अंदर में आपको PCR टेस्ट करा के आना है। ज्यादा से ज्यादा जो टाइम दिया गया है 72 घंटे, 72 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 72 घंटे के अंदर का आपको एक PCR टेस्ट कराना होगा और इसे अपलोड भी करना होगा आपको। उसके बाद अगर आप वैक्सीन कतर से बाहर लिए हैं तो आपको वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है ये भी साथ में लेके आना होगा, और जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम में आपको अपलोड भी करना होगा। अगर आप कतर में वैक्सीन लिए हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट है ये अपलोड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके आईडी का जो रिकॉर्ड है कतर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मौजूद है। कतर गवर्नमेंट के जो सिस्टम है इसमें आपके आईडी पे जो भी रिकॉर्ड होता है वो मौजूद होता है। वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कोरोना हुआ है कतर के अंदर, आप रिकवर हुए हैं, इसका भी रिकॉर्ड कतर के जो सिस्टम है इसके अंदर मौजूद रहता है, आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के पास कतर का आईडी है और कतर में वैक्सीन ली है ऐसे लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों के पास कतर का आईडी है, वैक्सीन का एक डोज लिया है या वैक्सीन नहीं लिया है, ऐसे लोगों को कतर आने के बाद क्वारंटीन 10 दिनों के लिए करना होगा। और जो आप क्वारंटीन बुक कराएंगे जो उसका फाइल होगा वो भी फाइल आपको अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन करते समय। अब मैं बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कतर का आईडी नहीं है, भले से उनके पास वर्क वीजा हो, जो नए वीजे पे लोग आएंगे ऐसे लोगों को क्या क्या लगने वाला है। ऐसे लोग जिन लोगों के पास मल्टीपल एंट्री वीजा है ऐसे लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, या विजिटर वाले को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहला नंबर पासपोर्ट अपलोड करना होगा सभी लोगों को जिन लोगों के पास आईडी नहीं। उसके बाद में जो PCR टेस्ट है आपके फ्लाइट उड़ने से 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए, ये सभी लोगों को चाहिए और ये आपको अपलोड भी करना होगा। उसके बाद आपने जो वैक्सीन लिया है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और साथ में लेके भी आना होगा। और आपको बता दे, अभी कतर गवर्नमेंट के तरफ से केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है विजिट वीजा पे, फैमिली विजिट वीजा पे केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज ले रखा है, जो वैक्सीन कतर के अंदर मान्यता है ऐसे लोगों को अलाउ किया जा रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सारे वैक्सीन कतर के अंदर अप्रूव है, मान्यता दिया गया है इन सारे वैक्सीन को। कतर आने से पहले सभी लोगों के मोबाइल में जो एतराज का एप्लीकेशन है ये होना जरूरी है। अगर आपके पास में कतर का सिम नहीं है तो एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको कतर का सिम मिल जाएगा, वहां से आप सिम लेकर के एतराज एप्लीकेशन पहले इंस्टॉल करना है, एतराज को एक्टिव करना है, उसके बाद आपको एयरपोर्ट से निकलने दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अब कितने घंटे के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको एतराज वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा कतर आने के लिए। जितने भी लोग आएंगे सभी लोगों को ये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, भले से उसके पास कतर का आईडी हो या कतर का आईडी नहीं हो, सभी लोगों को ये करना जरूरी है। किसी भी रास्ते से कतर आते हैं एतराज का वेबसाइट है, इस पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ दोनों लोगों के लिए, रेसिडेंट्स और विजिटर दोनों लोगों के लिए बना चुका हूँ, और आपको वीडियो मिल जाएगा स्क्रीन पर। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी मिल जाएगा, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको कम से कम जो टाइम दिया गया है आपके जो फ्लाइट उड़ने का टाइम होता है इससे 12 घंटे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा जो टाइम दिया गया है 72 घंटे दिया गया है, 72 घंटे से पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। 72 घंटे यानी 3 दिन आप चाहते हैं तो अकाउंट बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी
बात माने तो आप उस वक्त रजिस्ट्रेशन करें जब आपके हाथ में जो PCR टेस्ट हो वो आपके पास हो, जब आप रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि आपको वहां पर जो PCR टेस्ट है ये भी अपलोड करना होता है। इसलिए आप उस वक्त रजिस्ट्रेशन करने बैठे जब आपके पास में PCR टेस्ट आ चुका हो कोरोना का, तब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठे। और आपको बता दें अप्रूवल कब आएगा, तो अप्रूवल आपको कुछ ही घंटों के अंदर में आपको मिल जाता है अप्रूवल, जो आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है। उसके बाद आप किसी भी फोटोशॉप पे जा करके आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। बगैर उसके आपको, बगैर अप्रूवल पेपर के आपको कतर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। आपका जो एयरलाइन है उसको भी दिखाना होगा, एयरपोर्ट पे भी दिखाना होगा बोर्डिंग पास के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कतर आने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।